सीतामढ़ी में लगातार ठंड का मौसम आते ही हादसाओं का बाजार गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं भाषण में खड़ा हूँ और फिर से हुसैना के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। आज का जो मौत है ये अपने आप में बिल्कुल अजूबा है, क्योंकि ये गाड़ी सरकारी है, सरकारी खदान ढोने वाले गाड़ी पर वह व्यक्ति मजदूरी कर रहा था, वहां बैठा हुआ था और वहां से नीचे गिरता है और इसी के चक्के में दबकर उसकी मौत हो जाती है। जिम्मेदार कौन? बड़ा मामला है। अगर कोई आम आदमी किसी घटना को करता है तो वो जिम्मेदार होता है। ब्लॉक से सीतामढ़ी के डुमरा ब्लॉक से ये खदान लोड करके इस गाड़ी को भासर में आना था, लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि आम आदमी अगर ओवरलोड करके चलता है तो उसको खड़ा पकड़ा जाता है, लेकिन सरकारी एजेंसी से, सरकारी खदान गोदाम से, बीडीओ साहब के यहां से, ब्लॉक से अगर इतना ओवरलोड गाड़ी आएगा तो कहां है डीटीओ साहब, कहां है सीतामढ़ी के और भी ऐसे पदाधिकारी जो लोग ये देखते हैं कि किस गाड़ी पर कितना ओवरलोड होना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज का ये हादसा है, आज से तीन दिन पहले सीतामढ़ी के एक अर्जुन राय की हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ। लोग जो घर के लोग कहते हैं कि हत्या हुई है, पुलिस ने कहा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो FIR दर्ज हुआ है वो हत्या में ही FIR दर्ज हुआ। अब ये मामला है कि आज जो घटना हुई है, ये भी लड़का सीतामढ़ी के हुसैना का है, इसका नाम अर्जुन राय है, पिता का नाम क्या नाम से बताया? पिता का नाम राम जी राय, पिता का नाम राम जी राय बताया जा रहा है, घर इनका हुसैना है। अकारक में जान चली गई, यहां पर जब कोई पलदार टाइप का लोग बैठा होगा, मजदूर था, वो यहां से नीचे गिरा और इसी ट्रक के ट्रैक्टर के अंदर आकर के उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि आए दिन मौतें होती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, क्या काम है RTO ऑफिस का, क्या काम है मोबाइल वाले का, क्या काम है MB मोबाइल का, क्या बोलते हैं उसको, पैंथर मोबाइल नहीं, नहीं दूसरा, मैं भूल, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, MBI का क्या काम है, MBI का और क्या काम है RTO ऑफिस का। ये तमाम लोग मिलकर के अगर ओवरलोड को नहीं रोक पाते हैं, जब सरकार और सरकारी सिस्टम से ही काम होने वाले चीजों में ओवरलोड होगा और उसके वजह से जान जाएगी, तो मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ इस ट्रैक्टर चालक पर केस हो, वहीं जहां से खदान आया है MO साहब, जी हाँ, MO साहब अपने अपने प्रखंडों से खदान भेजते हैं और वहीं से ये खदान ओवरलोड होकर आया। आप दिखाइए करीब ला करके कितना ओवरलोड है, देखिए तो यहां तक ढाला है और इसके ऊपर तीन छल्ली लगाकर, चार छल्ली लगाकर के आगे तक रखा गया है, तो हादसे होने बिल्कुल लाजमी। आप कौन हुए? बस कौन है आप उनके? अच्छा है, अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है, वो क्या काम करता था तुम्हारे चाचा का लड़का है? फलदारी इसी पे गाड़ी पे करता था, ब्लॉक से, ब्लॉक से। हाँ। तो ब्लॉक से आया था राशन पहुंचाने के लिए। हाँ। ऊपर से कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया वो? पता नहीं, वो ऊपर बैठा हुआ था, इसी गाड़ी से चिपक गया। हाँ, इसी गाड़ी से उसको। कितने साल का था वो? वो लमसम 15-16 साल के करीब, कोई 18-20 साल का बता रहा है। शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई थी। अच्छा, क्या नाम था उसका लड़के का जो मरा है? अर्जुन, अर्जुन राय। हाँ। पिता का नाम? पिता का नाम राम जी राय। अच्छा, तीन दिन पहले भी एक लड़का मरा आपके मोहल्ले से? हाँ, वो अर्जुन, वो भी अर्जुन राय था। हाँ। पिता का नाम? आप तो यहाँ नहीं थे। नहीं, हमारे आसिफ सलीम ने रिपोर्टिंग किया था। कॉल किया गया, हमारे पत्रकार ने आकर रिपोर्टिंग किया था। एक्सीडेंटल नहीं था सर, एक्सीडेंटल कैसे उसको बनाया गया? एक्सीडेंटल नहीं था, उसको मारा गया था, उसको मारा गया था। जहां तक ग्रामीण और घर के लोग कह रहे थे कि मारा गया था, पुलिस ने एक बयान दिया कि उसका हाथ से मौत हुआ है। ये मामला जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि एक मजदूर की आज जान गई और इसमें सीतामढ़ी के डुमरा MO पर भी FIR होना चाहिए। दबाव सौ बयान न्यूज डंडा के चुप पर बोलता है, सीतामढ़ी के डुमरा MO पर भी FIR होना चाहिए। कैसे किसी प्रखंड मुख्यालय से इतना ओवरलोड होकर के गाड़ी आएगा, और कहां है RTO ऑफिस, कहां है DTO, क्यों नहीं चेक करते आप लोग, क्यों नहीं देखते, क्या सारी पाबंदी? आप देखिए, हाँ देखिए कितना लोड है,
ये तो आगे हम समझते हैं कि शायद बारिश लाने के लिए दिया है। आप यहाँ जो सीतामढ़ी का प्रशासन जो है वो बिल्कुल टाइट है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ब्लॉक वाले माल कहीं और का रहता है और भेजा जाता है कहीं और। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा था, कहाँ का माल था, क्या हुआ था, लेकिन क्यों नहीं डुमरा के एफआईआर हो, क्यों आपके यहाँ से इस ट्रैक्टर के ऊपर इतना ओवरलोड करके भेजा गया। एक मजदूर, क्या मजदूरों की जान की कीमत नहीं होती? क्या आपको गरीबों की जान की कीमत नहीं होती? क्या कोई कमजोर कोई निर्धन रोजगार नहीं करेगा? हालांकि उस मजदूर की भी अपनी गलती है, उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन मजदूर जाहिल होता है, गवान होता है, वो चढ़ गया। एमओ साहब वही रहे होंगे, एमओ साहब का बड़ा बाबू वही रहा होगा, और जो डीलर है जो लेकर आता है आपको एक एक बोरे पर पैसा जोड़ के मिलता है जी, तो फिर ओवरलोड करके क्यों लाए? क्यों आपने मजदूरों के जान को खतरे में डाला? एक मौत हो गई सीतामढ़ी के, हुसैना के अर्जुन राय पिता रामजी राय जी, आज भी मौत हो गई है सीतामढ़ी के भासर चांदनी चौक के पास, प्राइवेक्ट्री के पास उनकी मौत हुई है, भूख भरो में। लेकिन इनके बारे में सीतामढ़ी का जो बड़ा बाबू है वो काफी जांच कर रहे हैं इन केस का। किस केस का आज वाला केस का और जो और अरे सब ऐसे ही होता है, सब ये सब कुछ चूना पोटी करते हैं। हाँ। मैं आवाज उठा रहा हूँ, अब अभी यहाँ से जाएंगे भासर मोड़ पे, ठंड का मौसम आ गया है, ओस गिरेगा, सबनम आएगा, धुंध पड़ेगा, और बिल्कुल ये भासर मोड़ पे आधे रोड जो है वो टूटी हुई है, एक पुल था जो टूट गया, पिछले साल मैंने रिपोर्टिंग किया, उसके बाद भी अब तक नहीं बना। क्या है साहब, एक आदमी के सुधर जाने से, नीतीश कुमार के ठीक काम करने से पूरा बिहार ठीक नहीं होता है। आपके सारे ऑफिस में काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आज का जो मामला है आप देखिए, करीब लाइए दिखलाइए, इतना ओवरलोड है, इतना ओवरलोड है, कैसे एमओ साहब ने चढ़ा दिया? ये ब्लॉक से ये सारा काम होता है, 200 गाड़ी लोड करने वाली सब है, 200 गाड़ी लोड है। जब गाड़ी पर 200 कोई भी गाड़ी जब बनाई जाती है उसका जो इंजीनियरिंग का जो मेथड होता है उसमें एक सीएसटी दिया जाता है कि इतना वजन से ज्यादा होगा तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगा, गाड़ी बाएं जाएगी, चक्का ब्रेक कर सकता है, इतना। आप देखिए कि धारा कैसे बनाया गया है, मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मजदूरों की जान की भी कीमत होती है, गरीब कमजोर भी होगा तो उसके जान की कीमत होगी, और ये डुमरा एमओ का फेलियर है। एक एफआईआर डुमरा एमओ पर भी दर्ज होना चाहिए। दबाव से बिहार न्यूज, बिल्कुल जो बोलेगा दंगे के चलते बोलेगा, चाहे जिसको जो करना है करो, लेकिन आज की जो घटना हुई है ये घटना नहीं है, ये एक तरह की हत्या है। क्यों? गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए इन पर, जानबूझकर नहीं। सर इसमें जो है ना कि आपके थाना प्रभारी जो है सीतामढ़ी बड़ा बाबू, वो काफी कोशिश कर रहे हैं इस मामला को और अर्जुन वाले मामले को सामने लाए। अच्छा ठीक, तो फिलहाल सीतामढ़ी के भैरव कोठी भू भैरव के चौक पर ये घटना हुई है। अर्जुन राय हुसैना के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो गई है, और वो इस पर लदे हुए थे, इस पर चढ़े हुए थे, वो पलदार जो होते हैं जो अपने पीठ पर बोरा डालकर ढोते हैं, गरीब आदमी होता है, कमजोर आदमी होता है, उसके माँ बाप ने बहुत उम्मीदों से उसको पाला होगा, पोसा होगा, बहुत सारी उम्मीदें होंगी। लगातार हुसैना में दो घटना हो गई, पिछले दिन भी एक अर्जुन राय था, इस दिन भी अर्जुन राय है, दोनों के पिता अलग अलग है। फिलहाल इस घटना की जाँच होनी चाहिए। आप बिहार में कहीं से भी है, भारत में कहीं से भी है, ठंड का मौसम आ गया, जब भी चलिए, मोटरसाइकिल चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलिए, और ऐसे किसी भी गाड़ी पर पलदारी मत करिए जो ओवरलोड करके चल रही हो। मैंने अभी से 5-6 दिन पहले सीतामढ़ी में ही डुब्बा घाट और सीतामढ़ी के बथनाहा रानी का पुल और कई जगह से सैदपुर से ओवरलोडेड गाड़ी आने वाली मामले को मैंने उठाया था, जहां पर जिला खनन विभाग के पदाधिकारी सचिन प्रकाश के बारे में मैंने मामला उजागर किया था। एक मामला मैं इसमें और भी उजागर करूंगा कि खनन विभाग के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनके लोगों ने किस, दीपू कुमार ने किस तरीके से पैसा लिया है और एक अंडरलोड गाड़ी से पैसा लिया है, मैं इस पर भी खबर लाऊंगा। और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, ये कोई सिस्टम आपके लिए नहीं लड़ने वाला है, कोई आपके लिए नहीं करने वाला है। आप जब भी कभी घर से बाहर निकलिए तो सोचिए कि आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी माँ, आपकी पत्नी आपके घर सकुशल लौटने का इंतजार करते हैं। अगर आपकी लाश पहुंचती है
तो ये लोग फिर सड़कों पर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर इंस्टाग्राम, और हमारे इस फेसबुक पेज को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और एक फेवरेट का बटन आएगा आप उसे दबा दीजिएगा। कैमरा के पीछे विनोद सिंह राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। हाँ बोलो। हम बोलना चाह रहे हैं कि मीडिया को बात को यहाँ वजन नहीं लेता है, इसके लेकर के भी हम लोग विवाद